जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको, जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने की के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। तो बोलने तो दीजिए, एक बार मैं छोटा था। अच्छा सुनिए सुनिए दादी, एंड करता हूं मैं अपनी साइकोलॉजी, थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं। मैं छोटा था, सुनिए सुनिए थोड़ी सी मैं आपको। तो हुआ क्या, एक दिन एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, लव यू ब्रदर, एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप वो मेरे पास आए, जो मैंने आपको अभी बोला ना नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए, बैठे मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी एक सेकंड भाई, आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट और उन्होंने मुझे कहा राहुल जी मैं पाकिस्तान के नेता थे, पता नहीं मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दी तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने, पता नहीं मुशर्रफ था या कौन था, मुशर्रफ ने कहा क्यों, और जर्नलिस्ट ने कहा कि क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करा दोगे तो सदियों के लिए लोग आपका नाम याद रखेंगे। लॉजिक ये थी, मैं सुन रहा था, मुझे बता रहे थे, मतलब कि आपको नाम याद रखवाने के लिए काम करना चाहिए। मतलब मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, मुझे एक बात और याद आई, यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको कैसे याद, लोग
कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी, मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता हूं, मैं काम काम करने के लिए करता हूं, मुझे याद शायद का कुछ नहीं लेना देना। वो जो याद वाला है वो नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो मुझे, मेरी थिंकिंग है कि हिंदुस्तान के 90% की जो शक्ति है वो हिंदुस्तान को बनाने में लगे। इंजन, पूरा इंजन स्टार्ट हो, 10 के 10 सिलेंडर चलें और लोगों को मजा आए कि भैया हिंदुस्तान है, इसमें भागीदारी है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें आदर है और हम सब मिलके इस देश को आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।